नर्सिंग छात्र संगठनों ने भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। उन्होंने इस बात की मांगी एनएचएम में लगे हुए तमाम जो संविदा कर्मी हैं उनका नियमितीकरण किया जाना चाहिए। दिखाते हैं हम आपको इनके प्रदर्शन के संपादित अंश। इस मौके पर हमने बातचीत की नर्सिंग छात्र संगठन के नेताओं से। सी एच ओ के 2500 पदों पर हमसे आवेदन लिए गए थे, लेकिन एक साल कम्प्लीट होने के बाद भी आज उन भर्ती को पूरे भ्रष्टाचार के चलते उस भर्ती को रद्द कर दिया गया था। पर हम चाहते हैं कि उन पदों में बढ़ोतरी करते हुए इसको जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी की जाए। इस पर दूसरी हमारी मांग है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग का वेतनमान 20,000 रुपये होना चाहिए, लेकिन राजस्थान राज्य के अंदर 5,000 से 7,000 रुपये वेतनमान दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर नॉन ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ भरे पड़े हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तीसरी हमारी मांग है, राजस्थान के अंदर कोरोना के चलते हुए कम से कम 30,000 पदों पर स्थायी पदों पर भर्ती की जाए।